बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक डोर में लॉक लगाने जा रहे हैं। तो लॉक है हार्डविन कंपनी का, तो हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या सामान है। तो ये रह गया हैंडल और ये भी हैंडल हो गया, दोनों साइड का हैंडल हो गया ये। उसके बाद ये लॉक हो गया। तो लॉक देख सकते हैं, ये लॉक है। लॉक के साथ एक ये रड दिया हुआ है जो हैंडल को घुमाने में काम आएगा। बाकी ये चौखट पे लगाने के लिए दिए हुआ है और इसके लिए जो हाइड्रोलिक है ये डाल के देखते हैं। तो सिलेंडर को हम लगा लेते हैं और सिलेंडर भी बराबर काम कर रहा है। तो ये सिलेंडर हो गया, ये लॉक हो गया। लॉक अच्छा कंपनी का है। तो चलिए डोर में हम फिटिंग करते हैं। तो ये 39 इंच पे लगाते हैं। इसका हैंडल का साइज रहेगा 39। इसके लेवल लगभग हैंडल आ जाता है, तो इसके लेवल ये डाल देते हैं। और इसके लेवल लेके एक मार्क कर लो। तो ये मार्क कर लिया है नीचे ऊपर जो साइज है, इसका साइज है वही 5 इंच 5 इंच। इसमें हम 6 होल मारे हैं। फर्स्ट होल स्टार्ट करते हैं। Thank you.
ये मार्क हो गया, इतना भी से इसको सॉल्व करके हम दे देंगे। छोटा ट्यूमर नहीं होगा वो अपना, ये बटारी से भी आप, चौरसी से भी आप कर सकते हो, छोटा चौरसी और बड़ा चौरसी से आप कर सकते हैं। मेरे पास ट्यूमर है तो हम ट्यूमर से कर देंगे। तो ये 3/4 का बिट ये बड़ा हॉल करने के लिए लगेगा। तो आप बीच में डाल के ये हॉल हो गया लेवल में, बाकी इधर से भी वही लेवल में कर देते हैं।
बच्चे का पार्ट सा वो कम रहता है, तो इसके लिए हम 16 mm का बिट यूज करेंगे। ये हो गया, और इसके लिए भी 16 mm का बिट यूज कर रहे हैं। तो ये बैठा लगने उसके बाद फल हो गया। इसके बाद हम इसको वही फल में डाल के ये तो ये रॉड लगा देता हूँ। रॉड लगाने के बाद ये दोनों ये काम कर रहा है, वो रॉड के थ्रू और ये लॉक। तो बाकी ये साइड से ये भी लग जाएगा। इसमें एक काम बाकी जो है काम, इसको आर पार हॉल करना। बराबर
लगभग रेडी हो गया हूँ। तो ये मार्क लगा लिया है और इसको हम ऐसे डाल के इसको क्लिक कर सकते हैं, ये साइज रहेगा। बहुत भाइयों का देखते हैं इससे इसको गलाते हैं, लेकिन हम लोग ये टूर्नामेंट का बिट बांधते हैं और इससे गला देते हैं। तो हम चौसी के मदद से इसको और एक सेकंड स्टॉप चलो, अब ये बराबर हो गया है। अब इसको हम चाबी से लॉक करना हो तो ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।